जी कैसे हैं आप दोस्तों। हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। साल में दोस्तों 24 एकादशी होती हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति भक्ति भाव से व्रत रखता है उसके सारे पापों का नाश होता है। इस बार यह एकादशी 13 मार्च को पड़ रही है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी को व्रत रखने वाला मनुष्य मोक्ष के द्वार खोल लेता है। इस एकादशी के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इस एकादशी के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने बताते हुए कहा कि जो भी कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन भक्त को भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों यह व्रत जो है वो आप सब कर सकते हैं। जो करता है उसके जितने भी पाप होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी का महत्वपूर्ण व्रत एकादशी व्रत है। मन की चंचलता एकाग्रता देता है हमें ये। अगर आप व्रत रखते हैं तो धन की दोस्तों प्राप्ति होती है। हार्मोन की जिनको समस्या है वो ठीक हो जाती है। जो दोस्तों तनाव है डिप्रेशन है वो दूर होता है। स्वास्थ्य संतान जैसे होता है वो जो है प्राप्ति होती है। और जो आपने पाप किए हुआ है पाप क्या है पुण्य क्या है 18 पुराण में दोस्तों वेद व्यास ने कहा है कि परोपकार करना है पुण्य है। जो परोपकार करते हैं ईमानदारी से चलते हैं दोस्तों वो पुण्य कहलाता है। और जो किसी को आर्थिक तौर से मानसिक तौर से शारीरिक तौर से दोस्तों कष्ट देते हैं वो होता है पाप। और ये जो पाप मोचनी एकादशी जो कल आ रही है ये अगर आप व्रत कर ले श्रद्धा विश्वास के साथ तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपकी राहु की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। निश्चित रूप से एकादशी पर दूर होती है दोस्तों। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पर रखा जाने वाला यह व्रत बहुत ही अच्छा है सुंदर है। और अगर अपने पापों का नाश करना है तो जरूर करें दोस्तों। मौसम और स्वास्थ्य की दृष्टि से जल इस महीने में अत्यधिक पिया जाता है। 13 मार्च को यह एकादशी है और आप फायदा पा सकते हैं इस व्रत को रखकर। आपके पापों का नाश होगा दोस्तों। पापों का प्रायश्चित होगा। और नियम क्या है इसका पाप मोचनी व्रत दो प्रकार से रखा जाता है निर्जल व्रत या फिर फलहारी आप रख सकते हैं। निर्जल व्रत में आप खाली पानी पी सकते हैं और फलहारी में सिर्फ फल खाएं। और अगर आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है दोस्तों तो आप निर्जल मत रखें और आप फल खा सकते हैं और स्वास्थ्य आहार ले सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य दोस्तों ठीक नहीं है तो आप लहसुन प्याज ना खाकर आप खाना भी खा सकते हैं। और सुबह सुबह नहा धोकर श्री हरि का पूजन करें आपके लिए लाभकारी होगा। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें हर तरह के पाप का वो नाश करें ऐसा उनसे बोलें। और फल का सेवन करें और दूध है वो भी कर सकते हैं दही है वो भी खा सकते हैं। और सेंधा नमक और आलू मिलाकर सेंधा नमक से आप आलू उबले हुए आलू का जो है सुबह सुबह भगवान श्री हरि को भोग लगाकर आप खा सकते हैं। जीवन को ऐसा करें कि आपके बुरे कर्म आपको आए ना आपके पास। कभी भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि मैंने जो भी बुरे कर्म मेरे पिछले जन्म में हुए हैं या इस कर्म जन्म में हुए हैं तो सबको माफ़ करें। और प्रातःकाल स्नान करें संकल्प लें कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत मैं रख रही हूँ या रख रहा हूँ और मेरी आत्मा को दोस्तों निर्मल करें और मुझे हमेशा अच्छे विचार दें। और दोस्तों कि केले के पौधे में आप जो है जल डालें पीले फूल अर्पित करें भगवान। गीता का जो 11वां पाठ है वो भी कर सकते हैं आप। हरि के मंत्र का जप करें गीता के। और दोस्तों आप जो हरि का जो मंत्र करें तो वे ये है मंत्र ओम हरे नमः तो आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। और शाम के समय आप निर्धनों को
अनाज का दान करें, बेहद लाभकारी होगा। जीवन में आगे आपको बड़े उपयोग आने वाला व्रत है और राहु की जो जिन जातकों को समस्याएं चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और सूर्योदय जब हो जाए तो पीपल के वृक्ष में जाकर आप जल डालें, जल में आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें 7 बार और आप सूत से, पीले सूत से उनकी परिक्रमा करें और शाम को पीला सूत लपेट करके आपको आना है। और ज्योति भी जलानी है, सफ़ेद मिठाई आप चढ़ा सकते हैं और हाथ जोड़कर आप भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सारे समस्याएं दूर हों, मेरी जो राहु की समस्या चल रही है तो इस तरह से, और मेरे जो पूर्व जन्म में और इस जन्म में जो पाप मैंने किए हैं उनसे प्रार्थना करें कि मेरे सारे पाप आप धो दें भगवान। और मैं और तामसिक भोजन दोस्तों आपको नहीं करना है और सात्विक विचार रखने हैं, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, बुरे विचार आपके पास नहीं आने चाहिए और भारी खाना बिल्कुल दोस्तों ना खाएं। और अनाज खाने से सूर्य को अर्घ जरूर करें। आप सुबह सुबह जब सूर्योदय से पहले नहा धो लें दोस्तों तो भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। और दिन को जो है आप हल्दी मिलाकर आप जल भगवान श्री हरु को अर्पित करें, सात्विक भोजन करें। अगर आप का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप लहसुन प्याज के बिना भी खाना खा सकते हैं। और भगवान 11वें का मैंने गीता का पाठ का 11वें का अध्याय का आपको पाठ करने को दोस्तों बोला है, तो इससे आपका मन निर्मल होगा और स्वास्थ्य लाभ भी आपको होगा। और दोस्तों आप जो है कथा भी पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको कथा बताने जा रही हूँ कि जो पाप मोचनी एकादशी की जो कथा है वो इस प्रकार है, वो जरूर करें। कथा जो है इस प्रकार से है दोस्तों। धनराज दुष्टर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के मातम के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में दोस्तों मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव नृत्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति कीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्वेन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्वेन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति
होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के मातम को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से दोस्तों मुक्ति मिल जाती है। और आप इस दिन भगवान विष्णु की आरती भी जरूर करें दोस्तों। दोस्तों अगर मेरी ये जानकारी आपको लाभकारी लगी हो शेयर कीजिए, पसंद कीजिए दोस्तों। और धन्यवाद, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।